हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटर की वड़ी। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है और इसे आप बनाकर एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मटर की वड़ी बनाने के लिए हमने लिए है 500 ग्राम मटर। इन्हें हमने पहले ही छील लिया है और अब इसे एक ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। और इसके साथ ही हम इसमें पीस रहे हैं 2 टुकड़े अदरक के, 2 हरी मिर्च, 7 से 8 कलियां लहसुन की। इससे बड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और हरा धनिया। अब हमें इसे पीस लेना है। तो हमने मटर और बाकी सारी चीज़ों को दरदरा सा पीस लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप बेसन और डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और अब बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे। तो बड़ी का मिक्सचर हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसकी बना लेते हैं बड़ी। हम यहाँ बड़ी थाली में बना रहे हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक की शीट है तो उस पर बड़ी बनाइएगा और थाली पर लगा देना है थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि बड़ी आसानी से निकल जाए। और अब हमें हाथों में बड़ी का थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसकी छोटी छोटी सी बड़ियां बना लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमें इसकी बड़ियां बना लेनी है। तो हमने सारी बड़िया बना ली है और अब हमें इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लेना है। 2 दिनों में ये अच्छे से सूख जाती है। तो मटर की वड़ी सूख चुकी है। जब भी घर में अगर कोई सब्जी अवेलेबल ना हो तो बड़ी की सब्जी बनाकर फटाफट से खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।